बच्चों, जंप करना सीख लिया, बम फोड़ना सीख लिया, गन चलाना सीख लिया, कोलिजन करना सीख लिया, तो क्या बचा है टेररिस्ट बनने में? ठीक है ना, बन जाओ हैंडल का साइमन आदमी लिख देना, ठीक है? आज भी हम लोग क्या करें, गिद्ध की नजरें हैं इनकी, गिद्ध की सर, वो एक छोटा सा ना आपने वहां पर इसमें जो एस बनाया था ना, वो सर एस ना फाइव लग रहा था। देखो आपका आंसर मैच करता है नहीं करता, मैच किया तो खुद को और मुझको, मुझको भी दोनों को सवाल देनी है। हेलो बच्चों, बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सेंटर ऑफ मास के लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। फिजिक्स में बेटा कुछ चंद ही लॉज हैं और उनमें से एक ये है, बहुत ही फंडामेंटल लॉ है, कभी फेल नहीं होता, ठीक है ना। क्या है ये? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा हमने फाउंडेशन डाला था इसका कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये क्या है, कब लगता है, जब लगता है तब क्या होता है, और फिर इसके ऊपर आज हम बहुत सारी तबाही मचाने वाले हैं बेटा। आज हम पढ़ने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट को और इसमें हम बात करेंगे बेटा जंपिंग फ्रॉम द कार्ट, कार्ट से जंप कर गए तो क्या होगा, रिक्वायल ऑफ द गन, फायरिंग ऑफ बुलेट्स, जब बुलेट्स को फायर करेंगे और गन रिक्वायल करेगी, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब्स की बात करेंगे बेटा, उसके बाद हमें कोलिजन्स के बारे में भी पढ़ना होता है, कोलिजन्स की हम बातें अगली क्लास में करेंगे, उसके लिए एक बिल्कुल सेपरेट क्लासेस हमने रखी हुई है। लेकिन आज हमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जंपिंग फ्रॉम द कार्ट, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब्स, रिक्वायल ऑफ गन, ठीक है ना, इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। इसके बाद आप लोग टेररिस्ट बन सकते हैं और जंप करना सीख लिया, बम फोड़ना सीख लिया, गन चलाना सीख लिया, कोलिजन करना सीख लिया, तो क्या बचा है टेररिस्ट बनने में, ठीक है ना, बन जाओ है? नहीं, टेररिस्ट नहीं बनना, क्या बनना है फिर, इंडियन आर्मी में जाएंगे, सोल्जर बनेंगे। चलो बहुत बढ़िया, तो आओ बेटा अब बात करते हैं आज के लेक्चर की, बिना कुछ भी समय गवाए इस बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट की हम बात करने वाले हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था और अब फिर से हम एक बार बात करेंगे उसकी। हमने क्या कहा था, हमने कहा था व्हेन नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम बिकम्स जीरो, व्हेन नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम बिकम्स जीरो, देन इट्स मोमेंटम बिकम्स कॉन्स्टेंट और कंजर्व्ड। क्या मतलब है इसका? जब किसी सिस्टम पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट मतलब टोटल, टोटल सबका सम मिलाकर देखेंगे हम, एक्सटर्नल बाहर से बाहरी फोर्स जो होता है वो जब लग रहा है, ठीक है ना, ठीक है, जब सिस्टम से बाहर वाली एंटिटीज उसको फोर्स लगाएंगी तो एक्सटर्नल फोर्स, अगर वो नहीं है या उसका सम जीरो है तो क्या होगा बेटा, सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा बेटा, कॉन्स्टेंट या कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, जब ऐसा होता है तो क्या क्या होता है, ठीक है ना, जब ऐसा होता है तो क्या क्या होता है। तो हाउ डू वी राइट मोमेंटम ऑफ सिस्टम, थोड़ा सा इसके ब्रीफ में चलते हैं। तो हमने कहा कि मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज गिवन बाय टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, दैट इज हाउ वी राइट, ठीक है ना। अच्छा, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या हो जाएगी बेटा, कांस्टेंट हो जाएगी। अगर सेंटर ऑफ मास रुका हुआ है तो रुका हुआ रहेगा, चल रहा है तो चलता ही रहेगा, रुका हुआ है तो रुका हुआ रहेगा, चल रहा है तो चलता ही रहेगा, ठीक है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से, ना वेलोसिटी सेंटर मास की चेंज होने वाली, ना सिस्टम का मोमेंटम चेंज होने वाला।
दो पार्टिकल हो, तीन पार्टिकल हो, दस पार्टिकल हो, सौ पार्टिकल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आप लगा सकते हो, ये आप लगा सकते हो। सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बदलने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्सेस रिक्वायर्ड है। इंटरनल फोर्सेस की वजह से ना मोमेंटम बदलता है सिस्टम का, ना सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बदलती है। ठीक ना, बड़े ध्यान से सुनो इस बात को बेटा, बड़े ध्यान से सुनो, मन में दोहराओ, मन में दोहराओ, मेरी आंखों में देखकर दोहराओ बेटा। इंटरनल फोर्सेस की वजह से सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी नहीं बदलता है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी या मोमेंटम बदलने के लिए एक्सटर्नल फोर्सेस की आवश्यकता है। ठीक, चलिए अब जैसे एक सिंपल सी बात करते हैं, आइए एक सिंपल सी बात। हमने कहा कि हमारे पास ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक, ये एक प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर एक बालक, वही हमारा दोस्त बाला, हमारा दोस्त, हमारा मित्र बाला, ठीक है, खड़ा है यहां पे, ओके। मान लेते हैं इसका मास M है, इसका मास कैपिटल M है, इसका मास M, इसका मास कैपिटल M। अब बाला क्या कर रहा है, सब कुछ स्टार्टिंग में रेस्ट पर है, जमीन क्या है बेटा, स्मूथ है। अब इनके बीच में एक फ्रिक्शन हो सकता है, इनके बीच में एक फ्रिक्शन हो सकता है, तो मान लिया यहां पर ये तो है रफ, तो ऊपरी सरफेस रफ है, नीचे वाला सरफेस क्या है बेटा, स्मूथ है, वहां पे फ्रिक्शन नहीं है। तो अब जब ये भागने की कोशिश करेगा तो इसके पैरों और इस प्लेटफॉर्म के बीच में तो फ्रिक्शन लगेगा ना, बट वो इसका क्या हुआ बेटा, इंटरनल फोर्स हुआ। जो इनके बीच में लगने वाला घर्षण है वो इनका क्या है बेटा, इंटरनल फोर्स है, अंदरूनी फोर्स है, आंतरिक फोर्स है, ठीक है ना। जब ये इसके ऊपर भागेगा तो ये प्लेटफॉर्म पीछे भागेगा, हमने लास्ट क्लास में देखा था कितना जाएगा, डिस्टेंस कितना होगा, वो हमने लास्ट क्लास में बात कर दी। अब हम वेलोसिटीज की बातें करने वाले हैं, उसी में हम अब वेलोसिटीज की बातें करने वाले, जैसा कि हमने वहां पे डिस्टेंस के लिए किया था, बिल्कुल वैसा ही हम वेलोसिटी के लिए भी अब कह सकते हैं। ठीक, देखते हैं क्या आता है, आइए देखते हैं। तो हमने कहा कि अगर सब कुछ स्टार्टिंग में क्या है, रेस्ट पर है, इनिशियली, इनिशियली द होल सिस्टम इज एट रेस्ट, पूरा सिस्टम क्या है, रेस्ट पर है, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है बेटा, जीरो है, सब कुछ रुका हुआ है। अब इसने भागना शुरू कर दिया, अब इसने भागना शुरू कर दिया। नाउ बाला स्टार्ट्स रनिंग, अब बाला स्टार्ट्स रनिंग। अब रनिंग के लिए भी दो तरीके दिए जा सकते हैं, जो इसकी वेलोसिटी है ना, इसके लिए भी दो कंडीशन दी जा सकती हैं। बाला स्टार्ट्स रनिंग, पहला At speed u with respect to ground, और दूसरा at speed u with respect to plank। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है बेटा, at speed u with respect to ground and at speed u with respect to plank। plank के रिस्पेक्ट में u रफ्तार से भाग रहा है या फिर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यू रफ्तार से भाग रहा है, ये आपको दो कंडीशन यहां पर दे रखी है। आइए बेटा बात करते हैं इसके बारे में, जब इसने यहां पर भागना शुरू किया तो क्या हुआ। तो सबसे पहला काम बेटा, सुंदर डायग्राम आपको सबसे पहले क्या करना है, एक सुंदर डायग्राम यहां पर बनाना है। तो इनिशियल डायग्राम तो बना हुआ है, आपके पास फाइनल डायग्राम बनाना है। तो आपको फाइनल डायग्राम में क्या दिखेगा, आपको बाला दिखेगा दौड़ता हुआ यू रफ्तार से ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और आपको प्लैंक पीछे जाता हुआ दिखेगा वी रफ्तार। अगर सेंटर ऑफ मास को रोक के रखना है, मोमेंटम को चेंज नहीं करना है, मोमेंटम पहले जीरो था तो अभी भी जीरो रखना है, तो वो तभी होगा जब एक राइट में जाए और दूसरा लेफ्ट में जाए, दोनों का मोमेंटम क्या हो, कैंसिल होकर वापस इतना जाए, शून्य जीरो, ठीक है ना। आइए देखते कैसे आएगा। तो हमने कहा इसका मास स्मॉल एम, इसका मास कैपिटल एम, मास से मिले स्मॉल एम कैपिटल एम। तो व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम कंजर्व क्यों हो रहा है। अगर आप देखो तो इन पे लगने वाले फोर्सेस क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, कोई वर्टिकल में तो mg नॉर्मल रहेगा, वो भी कैंसिल कर रहे हैं हालांकि एक दूसरे को, बट स्टिल हॉरिजॉन्टल में तो फोर्स ही नहीं है। इनके बीच में लगने वाला फोर्स तो इंटरनल है, आंतरिक है भाई, ये नहीं है, ठीक है ना। तो बाहर से लगने वाला फोर्स कौन सा, एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है, जमीन पर तो फ्रिक्शन है नहीं,
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं, मोमेंटम हो जाएगा कंजर्व। हम क्या लिख पाएंगे, इनिशियल मोमेंटम कितना है बेटा, जीरो है। फायर मोमेंटम कितना है, बाला का मोमेंटम कितना है, एम इंटू यू। प्लैंक कितना है, माइनस कैपिटल एम इंटू वी, क्योंकि वो पीछे है ना, माइनस लिया मैंने, तो वी के लिए कितनी आ रही है, ये आ रही है एमयू डिवाइड बाय कैपिटल एम, ये आ रही है। बट यहां पर यू क्या है, यू है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यू है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आई बात समझ में आपको, बहुत बढ़िया। लेकिन लेकिन अगर आपके पास कंडीशन होती कि बाला ने जंप किया है एट स्पीड यू विद रिस्पेक्ट टू द प्लैंक, मतलब रिलेटिव स्पीड दी हुई है आपको, रिलेटिव रफ्तार दी हुई है आपको, तो अब क्या करेंगे, डायग्राम बनाते हैं। तो हमने कहा हमें बाला दिख रहा है, उसकी स्पीड यू है, बट ये स्पीड किसके है, ये कौन से फ्रेम में है, ये प्लैंक फ्रेम में है, ये प्लैंक फ्रेम है, प्लैंक फ्रेम में दिख रहा है, प्लैंक पीछे जा रहा है वी रफ्तार से, किस फ्रेम में जा रहा है वी रफ्तार से, पीछे ये जा रहा है ग्राउंड फ्रेम में, तो इसकी रफ्तार मैंने ग्राउंड फ्रेम में ली है। मतलब ग्राउंड पे बैठे हुए बालक को, ग्राउंड पे बैठे हुए बालक को दिख रहा है कि प्लैंक पीछे जा रहा है वी से, ठीक है ना, और प्लैंक पे बैठे हुए बालक को दिख रहा है कि बाला जा रहा है यू से आगे। बट ग्राउंड पे बैठे हुए आदमी को क्या दिखेगा बाला की रफ्तार, ग्राउंड पे बैठे हुए ऑब्जर्वर को बाला की रफ्तार क्या दिखेगी, मतलब आपको प्लैंक के फ्रेम से जंप करना है ग्राउंड के फ्रेम में। अरे बाबा, अरे बाबा, हाउ टू जंप, हाउ टू जंप फ्रॉम अ मूविंग फ्रेम टू ग्राउंड फ्रेम, हाउ टू जंप फ्रॉम मूविंग फ्रेम टू ग्राउंड फ्रेम, बेटा रिलेटिव मोशन के अंदर पढ़ाया था, जाकर वीडियो देखना पड़ेगा, बट फिर भी रिकैप, रिकैप सिंपल भाषा में रिकैप, मैंने कहा था जब भी आप मूविंग फ्रेम में हो और धरती मां की नजर से देखना चाहते हो, धरती मां की नजर से देखना चाहते हो, तो क्या करना है, ऐड करना है, सीधा सीधा ऐड करना है, उठाया जोड़ दो, उठाया जोड़ दो, सीधा सीधा ऐड कर दो। जब भी धरती मां को छोड़कर किसी मूविंग फ्रेम में जाओगे तो उल्टा कर ऐड करना पड़ेगा। धरती मां के पास आना मतलब पॉजिटिव होना, धरती मां के पास आना मतलब पॉजिटिव होना। तो ये बंदा के देखो, ये किसके फ्रेम में है, प्लैंक के फ्रेम में है, धरती मां की नजर से देखना है हमें, प्लैंक की नजर से देखा तो ये यू से चलता हुआ नजर आया, धरती मां की नजर से देखोगे तो किस रफ्तार से चलता हुआ नजर आएगा। तो वेलोसिटी को उठाकर जोड़ना होगा, किसकी वेलोसिटी को उठाकर जोड़ना है, ऑब्जर्वर की। ऑब्जर्वर कौन था यहां पर, प्लैंक था, प्लैंक का फ्रेम था ना, तो प्लैंक का फ्रेम छोड़ के धरती मां के फ्रेम में कैसे जाओगे, इसका वेलोसिटी उठाकर इसमें जोड़ना पड़ेगा, उठा के जोड़ना पड़ेगा, एरो को उठा के जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। जोड़ते हैं और धरती मां के फ्रेम में आते हैं, देखते हैं क्या हो रहा। तो हमने कहा कि ये तो वी से जा रहा है ग्राउंड फ्रेम में ऑलरेडी, और ये था जो यू से जा रहा था, और ये एरो को उठाकर हमने यहां पर जोड़ दिया, इसको उठाकर यहां जोड़ दिया, इतना सिंपल है जंप करना। धरती मां से देख, नजर से देखना, धरती मां के पास जाना है तो पॉजिटिव करना है, उठाकर जोड़ दो, इसको उठाकर यहां पे जोड़ दो, ठीक है ना। जोड़ दिया आपने, क्या आया बेटा आगे की तरफ, यू माइनस वी आया, आगे की तरफ यू माइनस वी आया। प्लैंक पीछे जा रहा वी से, ये बाला आगे जा रहा यू माइनस वी से, बाला आगे जा रहा है यू माइनस वी से। अब क्या करना है बेटा, अब मोमेंटम कंजर्व करना है, अब मोमेंटम को कंजर्व करना है। आइए करते हैं मोमेंटम कंजर्व, आइए, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, इनिशियल कितना है, फाइनल कितना है, तो इनिशियल मोमेंटम बेटा जीरो ही है, सब कुछ रुका हुआ था, ये है इनिशियल कंडीशन, सब कुछ रुका हुआ था। फाइनल कंडीशन ये रही आपके सामने, तो फाइनल कंडीशन बाला जा रहा है आगे यू माइनस वी से, तो बाला जा रहा है आगे यू माइनस वी से, और प्लैंक जा रहा है पीछे वी से, प्लैंक जा रहा है पीछे वी से, तो माइनस एम इंटू वी, प्लैंक जा रहा है पीछे वी से, माइनस एम इंटू वी। समझ गए बेटा बात, बहुत सिंपल, बहुत आसान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से हम सॉल्व करके हम निकालेंगे वैल्यू किसकी, वी की, ठीक है ना, वी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। अब वी की वैल्यू कितनी आगे देख लेते हैं, वी के क्या है, पीछे जो प्लैंक किस रफ्तार से पीछे आ रहा है वो है वी, ठीक है। तो हमने कहा ये है एम यू माइनस एम प्लस कैपिटल एम इनटू वी इक्वल टू जीरो, तो वी की वैल्यू कितनी आ रही है, एम यू डिवाइड बाय, तो प्लैंक किस रफ्तार से रिकॉइल कर रहा है, तो प्लैंक का मास क्या बेटा, कैपिटल एम, तो कैपिटल एम की रफ्तार आई है, तो ऊपर क्या आ रहा है, स्मॉल एम। अब आपको इस फॉर्मूले को करना है याद, कैसे याद करेंगे आइए देखते हैं। तो हम बोल रहे हैं ये क्या है बेटा, ये है अपोजिट मास, ये क्या है बेटा, ये है अपोजिट मास, यू क्या है बेटा,
यू क्या है रिलेटिव वेलोसिटी, ये क्या है बेटा, ये है रिलेटिव वेलोसिटी, ये क्या है बेटा, ये है टोटल मास। अपोजिट मास रिलेटिव वेलोसिटी टोटल मास, अपोजिट मास रिलेटिव वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल मास, अपोजिट मास रिलेटिव वेलोसिटी टोटल मास। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। और हम कहां कहां लगा सकते हैं इस फॉर्मूले को, कंडीशन ध्यान रखेंगे। पहली कंडीशन, टू ब्लॉक सिस्टम, जहां भी आपको टू ब्लॉक सिस्टम दिखेगा लगा सकते हो। दूसरी बात, दूसरी बात, VCM इज जीरो, मतलब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर होना चाहिए। तीसरी बात, F नेट एक्सटर्नल जीरो होना चाहिए। भैया नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है बेटा, जीरो हो। नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है बेटा, जीरो हो तो लगा सकते हो। अगर स्टार्टिंग में सिस्टम चल रहा होता, अगर स्टार्टिंग में सिस्टम चल रहा होता तब ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगता। मतलब अगर मैं आपको कहता कि ये प्लेटफॉर्म पहले से ही चल रहा है और अब इसके ऊपर इसने और चलना शुरू कर दिया, तब आप ये फॉर्मूला नहीं लगा पाते जो हमने यहां पर निकाला है। क्या निकाला है, अपोजिट मास रिलेटिव वेलोसिटी टोटल मास, अपोजिट मास रिलेटिव वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल मास, आप ये फॉर्मूला नहीं लगा पाते। आ रही है बात समझ में आपको? लेकिन लेकिन अब यहां पर क्या हो रहा है, अगर रुका हुआ है इनिशियली लगा सकते हो, टू ब्लॉक सिस्टम होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए, मतलब मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए तो आप लगा सकते हो। एक भागेगा दूसरा पीछे भागेगा, उसकी रफ्तार ये रहेगी, उसकी रफ्तार ये रहेगी। आइए और उसको अप्लाई करके देखते हैं बेटा। तो अगला केस हमारे पास आता है जंपिंग फ्रॉम द कार्ट, कार्ट का रेडा, ठीक है ना। तो एक हमारे पास इस तरह का रेडा है, रेडा कार्ट है, ठीक है। हमारे बाला ने कहा कि भैया आज हम कुछ तूफानी करेंगे। क्या करेंगे बेटा, बाला कह रहा है कि आज हम कुछ तूफानी करेंगे। ये रहा बाला, और इसने डिसाइड किया आई विल जंप फ्रॉम द कार्ट, आई विल जंप फ्रॉम द कार्ट, बाला डिसाइडेड आई विल जंप फ्रॉम द कार्ट, ठीक ना। तो बाला ने इस कार्ट के ऊपर से उड़ी मार दी, उड़ी मार दी, ठीक है। अब बाला जब उड़ी मार रहा है, इनिशियल सब कुछ रेस्ट पर है, इनिशियल सब कुछ रेस्ट पर है, बाला का मास स्मॉल एम है, इसका मास कैपिटल एम है, जमीन क्या है बेटा, स्मूथ है। अब बाला क्या कर रहा है, जंप कर रहा है, उड़ी मार रहा है। अब उसके उड़ी की जो रफ्तार है, ठीक है ना, वो क्या हो सकती है, देखो दो तरीके से दी जा सकती है, एक ग्राउंड के रिस्पेक्ट में और एक कार्ट के रिस्पेक्ट में, एक ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, एक कार्ट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन कहता है दैट दैट बाला जंप्स एट स्पीड यू, बाला जंप्स एट स्पीड यू विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, देन फाइंड द वेलोसिटी या रिक्वाइल वेलोसिटी ऑफ द कार्ट, कार्ट किस रफ्तार से रिक्वाइल करेगी। तो बहुत सिंपल है बेटा, वेलोसिटी ऑफ द कार इज अपोजिट मास स्मॉल एम रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, यू तो खुद रिलेटिव दिया ना, जंप विद रिस्पेक्ट टू कार्ट लिखा है, दिया है ऑलरेडी कि विद रिस्पेक्ट टू कार्ट जंप किया है, टोटल मास एम प्लस एम, आंसर आ गया हमारा, कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहता कि ये विद रिस्पेक्ट टू कार्ट नहीं है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, तो क्या करते, तो सीधा सीधा मोमेंटम कंजर्व करते। मतलब एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको, सपोज द क्वेश्चन इज कि बाला ने जंप किया है एट स्पीड यू बट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर ये कंडीशन है तो ये किस रफ्तार से रिक्वाइल करेगा, ठीक है। इसका मास स्मॉल एम, इसका मास कैपिटल एम, तो इनिशियली मोमेंटम कितना बेटा, जीरो, सब कुछ रुका हुआ था, उसके बाद उसने जंप किया, तो अब ग्राउंड फ्रेम में डायरेक्टली मोमेंटम कंजर्व है, हमें रिलेटिव लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहां पर, हमें फ्रेम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहां पर, हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, बोलेंगे एम इंटू यू माइनस एम इंटू वी डिवाइड बाय एम प्लस एम,
तो वी की वैल्यू आ रही एम यू बाय कैपिटल एम, दैट इज द वैल्यू ऑफ वी। ये हमारा आंसर आ रहा है, बहुत सिंपल सा, एम यू बाय कैपिटल एम, दैट इज द आंसर। समझे बेटा, दैट इज द आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत शानदार, बहुत मजेदार, ठीक है। तो क्या डिफरेंस आ रहा है, यहां पे केवल m आ रहा है, यहां पे m प्लस m आ रहा है। डिफरेंस क्या है, यहां पर इसने जंप किया है विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, यहां पे जंप किया है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दो अलग अलग केसेस हमारे बन गए। अच्छा जी सर, और कुछ करके दिखा दो। लो भैया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं इसको। इस बार हमने पास दो रेडे लिया, दो रेडे। ठीक है, बाला ने कहा कि आज तो मतलब हम गर्दा बचा देंगे, ठीक है, ओके। और उसने कहा कि भैया आज तो हम अपना भोकाल दिखाएंगे भैया, एकदम चश्मा चश्मा पहन के आ गया, लो चश्मा पहन के आ गया, ये गॉगल लगा लिए हैं इसने, ठीक है ना। इसने कहा कि भैया आज हम गर्दा बचाएंगे, ठीक है। तो क्या कहा इसने, इसने कहा कि आई एम गोइंग टू जंप फ्रॉम दिस कार्ट एंड लैंड ऑन द अदर कार्ट। इससे जंप करेगा, इससे उड़ी मारेगा और उससे पहुंच जाएगा, इस जगह लैंड, ठीक है ना। तूफानी करके आगे जीत है, ठीक है। तो ये है स्मॉल एम, ये है कैपिटल एम, ये भी है कैपिटल एम, सब कुछ रुका हुआ है, सब कुछ रुका हुआ है। क्वेश्चन है कि बाला जंप्स एट स्पीड यू विद रिस्पेक्ट टू इट्स कार्ट एंड लैंड ऑन द अदर कार्ट। ठीक, फाइंड द फाइनल स्पीड ऑफ द अदर कार्ट। इस कार्ट का फाइनल स्पीड बता दो क्या होगा भैया। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, क्या करेंगे देखो। पहली बात, क्या ये स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है कि ये रिलेटिव वेलोसिटी है इसके कार्ट के रिस्पेक्ट में? रिलेटिव है ना। अच्छा तो देखो, फाइनल डायग्राम यहां पे शो करते हैं हम आपके सामने। जो पहले वाली कार्ट है वो पीछे भाग रही होगी कुछ वी रफ्तार से, और जो दूसरे वाली कार्ट है उसके ऊपर बाला आके लैंड कर चुका होगा, बैठ चुका होगा उसके ऊपर आकर, ठीक है ना। और ये जा रहा होगा कुछ वी डैश रफ्तार से, फाइनल सिचुएशन हो गई, ठीक है। तो अब बाला की जो कार्ट है, ठीक है ना, ये किस रफ्तार से पीछे जा रही होगी, ठीक है ना, किस रफ्तार से रिकॉइल कर रही होगी, ठीक है। तो देखो, इसकी जो रिकॉइल रफ्तार है, इसकी जो रिकॉइल की रफ्तार है वी, वो हो जाएगी कितनी, अपोजिट मास, दैट इज मास ऑफ बाला इंटू रिलेटिव रफ्तार जो कितना है यू, टोटल मास एम प्लस एम। ये है इस वाले की रिकॉइल रफ्तार। तो ये जो ये वाली कार्ट है, ये पीछे जा रही होगी इस रफ्तार से, ये पीछे जा रही होगी इस रफ्तार से, बट ये वाली कार्ट आगे भाग रही होगी कुछ वी डैश से। नाउ इफ वी कंजर्व द होल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, देन पूरे सिस्टम का मोमेंटम पहले कितना था, जीरो था। पूरे सिस्टम का मोमेंटम पहले कितना था, जीरो था। अभी भी कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, जमीन सब फ्रिक्शनलेस है, कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, अभी जंप कर चुका है, देखते क्या होता है, ठीक है। अब जब ये इस पर लैंड कर रहा है, तो इस पे लैंड कर गया, ठीक है ना, तो पूरे सिस्टम का जो फाइनल मोमेंट वेलोसिटी है वो आगे है v डैश, ठीक है। तो इसका कितना मास है बेटा, m प्लस कैपिटल m मास हो गया इसका। रफ्तार कितनी बेटा, v डैश। रफ्तार कितनी बेटा, v डैश। इसका क्या है बेटा, पीछे जा रहा था, नेगेटिव मोमेंटम होगा, नेगेटिव मोमेंटम है, कैपिटल m इसका मास है बेटा, और रफ्तार कितनी है इसकी, v है, और v कितना है ये आपके सामने है, ठीक है। तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट v डैश इज नथिंग बट कैपिटल m इनटू v डिवाइड बाय m प्लस कैपिटल m, बट v itself is this, मतलब कैपिटल m, स्मॉल m, u डिवाइड बाय कैपिटल m प्लस स्मॉल m का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ v डैश। समझे बेटा, एक से दूसरे पर लैंड करके हमारा बाला है? आप लोगों के लिए हमारा बाला क्या क्या करता है, आप लोगों के लिए हमारा बाला देखो क्या क्या करता है। कभी जो है कार्ट से जंप कर रहा है, ठीक है ना, अब तो एक कार्ट से दूसरी कार्ट में जंप कर गया, ठीक है ना, और फिर भी कहते हो आपका दोस्त हैरी पॉटर, हमारा दोस्त बाला है, तुम्हारा दोस्त हैरी पॉटर, साडा दोस्त बाला है, बहुत सही, तुम्हारा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता, बहुत सही। चलो अब देखो, आप लोगों को फिजिक्स सिखाने के लिए
आप लोगों को फिजिक्स दिखाने के लिए बाला अपने साथ एक और बाला ले आए, जुड़वा बाला, जुड़वा बाला, ठीक ना। दो दो बाला हो गए हमारे पास, बाला वन बाला टू। इसका मास भी m, इसका मास भी m, इसका मास स्मॉल m, जमीन पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक ना। एंड नाउ दीज बालास आर गोइंग टू जंप फ्रॉम द कार्ट वन बाय वन। पहले एक जंप करेगा फिर दूसरा जंप करेगा, ठीक है ना। सो बोथ जंप्स एट स्पीड u विद रिस्पेक्ट टू कार्ट वन बाय वन। Find the final recoil speed of the cart. Cart की final recoil speed कितनी होगी? दोनों एक एक करके jump करने वाले हैं। दोनों की ही रफ्तार u है with respect to cart, लेकिन दोनों की jump में फिर भी एक difference है। क्या difference है? जब पहला बाला jump कर रहा है तब कार्ट रुकी हुई थी, उससे पहले कार्ट रुकी हुई थी, लेकिन जब सेकंड बाला जंप कर रहा है तब कार्ट पहले से ही मोशन में होगी। आइए देखते हैं कैसे। तो पहले जंप के बाद क्या हो रहा है? पहले जंप के बाद बाला टू पे उसे बैठा हुआ है और ये सिस्टम पीछे भाग रहा है। बाला वन हवा में है यू रफ्तार से, बट ये विद रिस्पेक्ट टू कार्ट है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आते हैं, वंडर मजब करते हैं, बट इस सब का हमें कुछ लेना है नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यहां पर तो मैं अपना फॉर्मूला लगा सकता हूं। कौन सा? जो ये वी है कितना आएगा? अपोजिट मास रिलेटिव रफ्तार टोटल मास, अपोजिट मास रिलेटिव रफ्तार डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है? 2m प्लस m। ध्यान रखना इस बार टोटल मास कितना है? 2m प्लस m है, 2m प्लस m है। पूरा इसका देखो 2m प्लस m जो टोटल मास। तो अपोजिट मास रिलेटिव रफ्तार टोटल मास, हमारे पास ये v आ गया। यहां पे लगा सकता हूं, पहले जंप के बाद लगा सकता हूं, पहले जंप से पहले वो रुका हुआ था। फॉर्मूला लगाने के लिए कंडीशन मैंने लिखवाई थी आपको, और उसमें एक कंडीशन ये भी थी। अरे कहां गई कंडीशन? उसमें एक कंडीशन ये भी थी कि VCM should be zero, VCM should be zero। आई बात समझ में? तो यहां तो रुका हुआ था, पहले से कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन अब खाली इसको देखो, इस बाला तो ये बाला से चला गया कूद मार के, निकल गया, तो भूल जाओ। अब जो ये बचा है इसको देखो, अब इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास जीरो नहीं है, ठीक है। मैंने इस पूरे को एक माना था पहले, पहले इस पूरे को एक माना था, इसको अलग माना था, इसलिए हमने टू पार्टिकल सिस्टम कह दिया था। अब ये हमारे पास टू पार्टिकल सिस्टम है, बट ये सिस्टम भी क्या कर रहा है? चल रहा है। अब क्या करें? अब तो आपको बेसिक पे जाना पड़ेगा, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। लगाते हैं, आइए देखते हैं। तो हम कह रहे हैं जंप मारने के बाद क्या हुआ? हमने कहा जंप मारने के बाद जो एक कार्ट है इसकी रफ्तार और बढ़ गई, इसकी रफ्तार हो गई वी डैश। पहला बाला निकल गया, उसको भूल जाओ। दूसरे बाला ने एक जंप मारी है, वो हवा में है और उसकी रफ्तार है यू, बट वो किसके रिस्पेक्ट में है? ये विद रिस्पेक्ट टू कार्ट है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसे आएंगे? धरती मां की नजर से कैसे देखेंगे? जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो जब भी धरती मां की नजर से देखने की कोशिश करोगे, धरती मां के पास आओगे तो पॉजिटिव होगा, ऐड करना है। उठा के जोड़ दो, उठा के जोड़ दो, उठा के जोड़ दो। बहुत बहुत सिंपल, उठाया जोड़ दिया, ठीक है ना। तो इसका जो रफ्तार बना क्या बनेगा बेटा? U माइनस वी बनेगा आगे। किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में बेटा? ग्राउंड के रिस्पेक्ट। तो वी जंप्ड फ्रॉम द कार्ट फ्रेम टू द ग्राउंड फ्रेम, वी जंप्ड फ्रॉम द कार्ट फ्रेम टू द ग्राउंड फ्रेम। बहुत सिंपल है। अब देखिए, अब करना है हमें मोमेंटम कंजर्व, हमें करना है मोमेंटम कंजर्व, ठीक है ना। तो पहले देखो, ये एम प्लस एम पीछे की तरफ जा रहा था तो नेगेटिव मोमेंटम था, वी रफ्तार से जा रहा था। एम प्लस एम पीछे की तरफ वी रफ्तार से जा रहा था, ये था इनिशियल मोमेंटम। अब बात करते हैं फाइनल की। फाइनली देखो बेटा क्या हो रहा है। फाइनली बाला जा रहा है आगे यू माइनस वी से, तो बाला का मास एम आगे जा रहा है यू माइनस वी से, और कार्ट पीछे जा रही है वी डैश से, कार्ट पीछे जा रही है वी डैश से, तो माइनस एम इंटू वी डैश। नाउ फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी डैश, राइट। तो हम कहेंगे कितना है हमारे पास? m प्लस m है और माइनस
का भी है, इसको हम इस तरफ लेकर आएंगे। इनफैक्ट रुको, दोबारा करते हैं, इस वाले को यहां पे लेकर आते हैं, वी डैश वाले को, तो कैपिटल एम इनटू वी डैश, इसको वहां लेकर जाएंगे हम, स्मॉल एम यू माइनस वी प्लस वी स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ठीक है। तो सब कुछ खोल देते हैं, एम यू माइनस एम वी प्लस एम वी प्लस एम वी, ठीक है, एम वी कट गया, तो वी डैश कितना आ रहा है हमारे पास, स्मॉल एम यू प्लस कैपिटल एम वी डिवाइड बाय कैपिटल एम आ रहा, ठीक है। तो ये स्मॉल एम यू डिवाइड बाय कैपिटल एम प्लस वी आ रहा, बट वी की वैल्यू कितनी है, वी की वैल्यू आपने निकाल रखी है यहाँ पे, वी की वैल्यू इतनी है, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, हमारे पास स्मॉल एम इंटू यू डिवाइड बाय कैपिटल एम प्लस प्लस इट इज स्मॉल एम इंटू यू डिवाइड बाय स्मॉल एम टू प्लस, ये वैल्यू थी ना आंसर, एम यू डिवाइड बाय टू एम प्लस एम डिवाइड, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब चाहे तो उसको फर्दर आप एलसीएम लेकर और फर्दर सॉल्व कर सकते हो, बट दैट इज हाउ वी डू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो सेकंड जंप के समय, सेकंड जंप जब यहां से हुई है तो हमने डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला पहले जंप पे लगाया, सेकंड जंप पे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि सेकंड जंप से पहले ये सिस्टम चल रहा था, दिस वाज मूविंग, फर्स्ट जंप से पहले रुका हुआ था, तो अगर जंप से पहले सिस्टम रुका हुआ है, ठीक है, तो आप लगा सकते हो अपोजिट मास रिलेटिव वेलोसिटी टोटल मास, लगाओ आंसर निकलेगा बढ़िया से बन्ना तरीके से, ठीक है। आई बात समझ बेटा आप लोगों, और कर दें एक और क्वेश्चन, तो आप इसका नहीं करते, थोड़ा सा और अलग से कर लेते, देखो आओ, देखो सब कुछ स्मूथ है, रेस्ट से छोड़ दिया, जब ये यहां पहुंचेगा, जब ये यहां पहुंचेगा, ठीक है ना, तो हमने मान लिया कि इसकी रफ्तार है u विद रिस्पेक्ट टू द कार्ट, ठीक है, व्हेन इट रीचेस दिस पॉइंट इट्स रफ्तार इज u विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, ठीक है। अब हम जानना चाहते हैं कार्ट किस स्पीड से रिकॉइल कर रहा होगा, तो ये क्या है, रिलेटिव रफ्तार है ना, ये रिलेटिव है, तो इसकी रफ्तार कितनी होगी, तो अब बोलोगे v इज इक्वल टू अपोजिट मास रिलेटिव रफ्तार टोटल मास, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई आपसे पूछ ही लेगी भैया इसकी रफ्तार कितनी होगी, तो इसको निकालने के दो तरीके हैं, वो मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है ना, बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा आपको, सिद्धि में हट दूंगा आपको, एक आज एक सिद्धि देने वाला हूं आपको आज मैं, ठीक है ना, आइए देखते हैं आगे बढ़ते हैं, चलिए एक सेकंड, लाइट्स कुछ आगे पीछे हो गई हमारी, आई करेक्ट इट, चलो रिक्वाइल ऑफ गन, गन के रिक्वाइल की बात करते हैं फटाफट, गन के रिक्वाइल की बात करते हैं, अब हम आ गए हैं, जंप करना सीख लिया है, अब गन चलाना सीखेंगे, उसके बाद एक्सप्लोजन भी करेंगे, कोलिजन अगली क्लास में पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है बेटा। गन आप में से कितने लोगों ने चलाई है, कमेंट करके बताइए, चलाया गन कभी असली वाली, डोंट ट्राई इट, डोंट ट्राई, ठीक है ना, बहुत 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 खतरनाक होती है, ठीक है, बट एनीवेज जो गन होती है ना उसको नॉर्मली ना लोग कंधे पर एकदम यहां पर एकदम सटा कर गोले चलाते हैं, बिकॉज वो बहुत जैसे रिक्वाइल करती है, तो अगर थोड़ा दूर रखोगे ना कंधे से तो क्या हुआ, खट करके आगे कंधे टकराएगी, आपसे ऐसे कंधे से टकराएगी, तो चोट लगेगी कंधे पे, कंधे पे क्या होगा, चोट लगेगी, टकराएगी ऐसे तो चोट लगेगी, बट कंधे पे एकदम मजबूती से आपने टिका रखा है ना, तो क्या हुआ, कंधा भी साथ साथ मूव करेगा पीछे, वो टक्कर नहीं मारी कंधे पे, कंधा भी साथ साथ मूव करेगा ऐसे, तो झेल जाएगा आपका कंधा, ठीक है ना, ओके। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट आगे की तरफ आ रही है, तो गन की रफ्तार पीछे की तरफ आ रही है, इसे कहते हैं रिकॉइल करना, ठीक है, तो रिकॉइल करना कहते हैं, आइए अब यहां पर, और जो जंपिंग वाली चीज है अगेन लगभग सेम है, क्यों सेम है, बुलेट गन से बाहर निकल रही है, तो हम कह सकते हैं ना बुलेट इज जंपिंग फ्रॉम द गन, जिस तरीके से पर्सन इज जंपिंग फ्रॉम द कार्ट, सिमिलरली बुलेट इज जंपिंग फ्रॉम द गन, देयर इज नो डिफरेंस, सेम चीज है, सब कुछ सेम है, ठीक है ना। अब यहां पर डिफरेंस क्या आता है, यहां पर पहले डिफरेंस आता है बेटा, आपको एक वर्ड मिलता है मजल वेलोसिटी,
मजल वेलोसिटी। तो क्या होता है बेटा मजल वेलोसिटी? इट इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन, दैट इज द मजल वेलोसिटी। दैट मींस मजल वेलोसिटी इज नथिंग बट द रिलेटिव वेलोसिटी। सो व्हेनेवर द क्वेश्चन से द मजल वेलोसिटी इज यू, दैट मींस इट इज द रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द गन। दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द गन। सेकंड चीज पे जिस पे आपको ध्यान देना है इन क्वेश्चंस पे, वो देना है कि आपको जो मास दिया है गन का वो एम्प्टी गन का मास है या लोडेड गन का मास है। जब क्वेश्चन बोलेगा मास ऑफ द गन इज दिस, दैट मींस वो आप एम्प्टी गन का लेके चलोगे। लोडेड के लिए वो आपको मेंशन करेगा लोडेड गन है, ठीक है ना। तो अब मास किसका दिया है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मास ऑफ लोडेड गन का मतलब क्या हुआ? मास ऑफ द गन प्लस बुलेट हुआ। अब वो खाली मास ऑफ द गन बोलेगा तो फिर वो खाली मास ऑफ द गन है, ठीक है ना, बुलेट नहीं है उसके अंदर, ठीक। तो हमने कहा कि मान लिया हमारे पास ये है सिचुएशन, ठीक है, गन हमारे पास है, मास जो है बुलेट का स्मॉल m है और मास ऑफ द गन इज कैपिटल m, और मजल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज u, मजल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज u, ठीक है। सो व्हाट इज द रिक्वायर स्पीड ऑफ द गन, व्हाट इज द रिक्वायर स्पीड ऑफ द गन? इनिशियल सब रुका हुआ है ना, तो रिक्वायर स्पीड कितनी लिखोगे बेटा? रिक्वायर कितना लिखोगे? अपोजिट मास रिलेटिव वेलोसिटी या मजल वेलोसिटी। अब अगर खाली गन का मास मैंने m दिया है, खाली गन का मास हमने m दिया है, तो m प्लस m लिखोगे। अगर लोडेड गन का मास m दिया होता तो खाली नीचे m आता, खाली नीचे m आता। तो क्वेश्चन क्या मेंशन करेगा उसके हिसाब से आपको देना है, ठीक है ना। तो मतलब मास ऑफ गन इज कैपिटल एम, दैट इज व्हाट इज गिवन टू यू, ठीक है। आई बात समझ में आप लोग? तो आपका क्वेश्चन तो बहुत सिंपल हो गया। आप क्या करें इसके अंदर, कुछ बनता है क्या इसके अंदर क्वेश्चन? अच्छा बनता है क्वेश्चन, चलाकी करता है क्वेश्चन सेटर। क्या करता है वो? आपको टैंक दे देता है, टैंक तोप, तोप दे देता, तोप। अब तोप पे जो नली होती है ना उसकी कुछ ऐसी होती है और कुछ एंगल थीटा पर होती है, और उसके अंदर क्या होता है बेटा, क्या होता है इसमें? मतलब गोला, तोप का गोला, तोप का गोला होता है बेटा, कैनन बॉल तोप का गोला। अब जब ये गोला बाहर निकलेगा ना बेटा, ऐसे बाहर निकलेगा तो क्या होगा? ये पीछे की तरफ रिक्वायर करेगा, ये पीछे की तरफ रिक्वायर करेगा, ठीक है। तो हम जानना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कैनन बॉल हैज मजल वेलोसिटी इक्वल्स टू यू, मतलब इसके रिस्पेक्ट में कैनन बॉल बाहर निकलता है यू रफ्तार से, बट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यू रफ्तार से निकलता, इसके रिस्पेक्ट में यू रफ्तार से निकलता है। फाइन रिक्वायर वेलोसिटी ऑफ द टैंक, इसका मास कैपिटल एम, इसका मास स्मॉल एम, अलग अलग मास दे रखा है आपको, ठीक है, मास एम और स्मॉल एम दे रखे हैं। अब देखो हुआ क्या, अब हम कह रहे हैं, अब हम यहां पे कहेंगे देखो फाइनल डायग्राम क्या है हमारे पास, हमारे पास फाइनल डायग्राम कुछ ऐसा रहेगा। टैंक जो है पीछे रिक्वायर करेगा वी रिक्वायर, और गोला जो है ना वो इधर भाग रहा है यू स्पीड से, किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू टैंक भाग रहा है। कितने एंगल पे भाग रहा है? थीटा एंगल भाग रहा है। तो इसके दो टुकड़े होंगे बेटा, ऊपर भी होगा, राइट में भी होगा। तो राइट में होगा बेटा यू कॉस थीटा, ऊपर होगा बेटा यू साइन थीटा, यस और नो? अरे हाँ कि ना कि भाई, तो ये यू कॉस थीटा, ये यू साइन थीटा, बेटा यहां ध्यान दे लो अच्छे से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, तो डिस्ट्रैक्टिंग बिल्कुल नहीं होना है, सारे डिस्ट्रैक्शन को खत्म करके यहां ध्यान देना है। तो यू कॉस थीटा यू साइन थीटा ये हमारे पास आ रहा, ठीक है। अच्छा जी, u cos theta राइट में, u sin theta ऊपर। नाउ दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट। अब ध्यान देना, हम जो अपना फॉर्मूला है उसको मॉडिफाई करने वाले हैं। मॉडिफाई कैसे करेंगे? हम कहेंगे वेलोसिटी रिक्वायर इज इक्वल टू अपोजिट मास, दैट इज स्मॉल m, रिलेटिव वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बिकॉज ये रिक्वायर हॉरिजॉन्टल में कर रहा है ना, हमें इससे मतलब, हमें इससे मतलब है ही नहीं, इससे मतलब है ही नहीं, हमें केवल इससे मतलब है तो रफ्तार कितनी होता है यू कॉस थीटा है, टोटल मास एम प्लस एम, बस आ गया हमारा आंसर, वी रिक्वायर आ गया हमारे पास, दिस इज द वी रिक्वायर, समझे।
समझे नहीं समझे? बहुत सिंपल, आपको बस यू कॉस थीटा लेना है और आपका आंसर आपके सामने। बहुत बहुत शानदार, ठीक है। तो एंगल पे करेंगे तो क्या करना है, स्ट्रेट करेंगे तो क्या करना है, जंप करेंगे तो क्या करना है, दौड़ेंगे तो क्या करना है, सारी बात समझ में आई ना। अब बात करते हैं एक्सप्लोजन की, खतरनाक भोकाल। इतना बड़ा ब्लास्ट नहीं करने वाले हम, डोंट वरी, करेंगे इतना बड़ा नहीं करेंगे, इतना बड़ा हो गया ये, न्यूक्लियर बम हो गया ये, ठीक है। और बढ़िया लगा मुझे, मेरा यार शानदार लग रहा है, ठीक है, इसके साथ पिक्चर कितना अच्छा लगेगा। क्या एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब्स, जब बॉम्ब एक्सप्लोर होते हैं तो क्या होता है, ये जो आप एनर्जी देख रहे हैं ना, कहां से आ रही है एनर्जी, इतनी एनर्जी कहां से आ रही है बॉम्ब के अंदर से, तो ये क्या बाहर से दी हुई एनर्जी है इसको, क्या बॉम्ब को आपने बाहर से एनर्जी दी है वो एक्सप्लोर हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता कि बॉम्ब के ऊपर हथौड़ा मारता हुआ एक्सप्लोर होता है। बॉम्ब एक्सप्लोड्स बिकॉज ऑफ द इंटरनल फोर्सेस, अंदर कुछ केमिकल लोचा होता है, कुछ रसायन लीला होती है अंदर। बॉम्ब के अंदर होती है कुछ रसायन लीला, ठीक है ना, और उस रसायन लीला से बॉम्ब क्या होता है बेटा, फट जाता है, बॉम्ब फट जाता है। और जब बॉम्ब फटता है ना तो उसके हो जाते हैं चिथड़े, ठीक है ना, क्या हो जाते हैं उसके पार्ट हो जाते हैं, फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, ठीक है ना, और उन फ्रेगमेंट्स को मिलती है एक एनर्जी जो क्या थी, वो बॉम्ब की इंटरनल स्टोर्ड केमिकल एनर्जी थी। बॉम्ब के अंदर वो इतनी एनर्जी केमिकली स्टोर करके बैठा था, और जब वो एक्सप्लोड हुआ तो वो केमिकल एनर्जी कहां गई, वो साउंड में गई, वो लाइट में गई, और वो उन फ्रेगमेंट्स की काइनेटिक एनर्जी में भी गई। तो वो फ्रेगमेंट्स को क्या मिलती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी मिलती है, एंड द फ्रेगमेंट्स फ्लाई। लेकिन ये सब कुछ जो काम हो रहा है वो इंटरनल फोर्सेस कर रहे, इसलिए मोमेंटम ऑफ द फ्रेगमेंट्स अभी भी कंजर्व होगा, अभी भी कंजर्व होगा। आइए करते हैं कुछ क्वेश्चन, शानदार मजेदार क्वेश्चन, मजा आएगा आपको भी। बॉम्ब जलाने में, ठीक है ना, दिवाली मनाने में। खैर आइए। This is the bomb and it explodes into, let's say starting, हम दो ही fragment करते हैं, two fragment, ठीक है। तो question लिख लेते हैं पहले फटाफट, आइए question है, a bomb initially at rest explodes into two fragments of mass ratio 2:3 if the heavier fragment flies off at speed 20 meters per second then find the raftar of the lighter fragment find the raftar of the lighter fragment। तो हमने कहा कि बॉम्ब रखा हुआ था और ये सडनली एक्सप्लोड किया दो फ्रेगमेंट्स के अंदर, रेशियो है 2:3, तो हमने बोला कि एक का मास है 3m, एक का मास है 2m, तो रेशियो 2:3 आएगी ना, भारी वाला 3m वाला, हल्के वाला 2m वाला। कह रहा कि भारी वाला भागा 20 meters per second से, तो मैंने माना कि भारी वाला भागा 20 meters per second की रफ्तार, तो हल्के वाला भागेगा कुछ भी रफ्तार से, डायरेक्शन उल्टी होगी तभी तो मोमेंटम कंजर्व होगा ना, तो डायरेक्शन हमने उल्टी मान ली। अब बस करना है क्या, मोमेंटम कंजर्व, तो मोमेंटम कंजर्व करते हैं, देखो क्या आता है, क्या आता है, इनिशियल मोमेंटम कितना है बेटा, 0 है, फाइनल मोमेंटम कितना है बेटा, 2m into v है, -3m into 20 है, m into v मोमेंटम नेगेटिव क्योंकि पीछे था, m करके कट गया, v की वैल्यू कितनी आई 20 × 3/2, दैट मींस 30 meters per second से चलेगा। बहुत शानदार सिंपल सर, दो फ्रैगमेंट टूटा, क्या मजा आया, तीन में तोड़ के दिखाना, तीन में तोड़ो,
तीन उड़ने लो भाई तीन उड़ने क्वेश्चन लिखते हैं बॉम इनिशियली एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू थ्री फ्रैगमेंट्स ऑफ masses of mass ratios 1:2:2 तीन फ्रेगमेंट में टूट रहे और मास रेशो क्या आ रही है 1:2:2 की मास रेशो आ रही है ठीक है ना द टू फ्रेगमेंट्स विद इक्वल मासेस flies off perpendicularly at speed 20 meter per second तो आज से मास है 1:2:2 मतलब दो मासेस का मास तो बराबर ही है ना दो मासेस का मास तो बराबर ही है तो जो बराबर मास वाले हैं वो एक दूसरे से perpendicularly move करते हैं ठीक है ना perpendicularly this is perpendicularly if you are not able to get the sign let me draw it more clearly perpendicularly At speed 20 meter per second. The two fragments with equal masses flies off perpendicularly at speed 20 meter per second. Find the speed of the third fragment. Find the speed of the third fragment. Okay. ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है. हम क्या करेंगे? ये बॉम्ब है हमारे पास. तीन फ्रैगमेंट में टूट गया. ठीक है तो एक का मास हमने क्या ले लिया m ले लिया एक का 2m ले लिया एक का 2m ले लिया ठीक है अब हमने कहा कि मान लिया ये तो उड़ गया ऊपर एड रफ्तार कितना 20 मीटर पर सेकंड का ये उड़ गया राइट में कितनी रफ्तार से उड़ा 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये कुछ तिरछा भागेगा कुछ v वेक्टर सब हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है मान लेते हैं वर्टिकल प्लेन छोड़ दो सब हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है एक ऐसे गया एक ऐसे गया एक ऐसे गया तो एक तिरछा ऐसे भागा तिरछा ऐसे भागा सब ऊपर है टॉप व्यू देख रहे हैं एक ऐसे गया एक ऐसे गया एक ऐसे भाग रहा ठीक है भाई अब क्या करें भैया यहां पर क्या करें यहां पर मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा करते हैं मोमेंटम कंजर्व कैसे करेंगे देखते हैं भाई तो इनिशियल मोमेंटम वाज जीरो अब इस 2m का मोमेंटम कितना है बेटा 2m * 10 i कैप इस 2m का मोमेंटम कितना है बेटा तो 2m * 10 j कैप मतलब मैंने इस डायरेक्शन को j कैप मान लिया इसको i कैप मान लिया तो i कैप j कैप और जो बचा उसको m * v वेक्टर बोल दिया प्लस m * v वेक्टर बोल दिया m तो कट गया तो व्हाट इज v वेक्टर इक्वल्स टू -20 i कैप -20 j कैप मतलब 20√2 मीटर पर सेकंड इज द रफ्तार ठीक है अरे 20 से उड़े थे ना ये तो मैंने 10 क्यों लिया है यहाँ पर पता नहीं क्यों लिया 10 20 कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है ये तो 20 था मैंने 10 क्यों लिया है 40 आई कैप -40 जे कैप अभी कोई ना कोई बच्चा लिख देगा सर आपने गलत कर दिया आज भी गलती कर दी है गलत लिख दिया है मतलब 100 चीजें सही लिख दो उसका कुछ नहीं एक गलत लिखो ना सर वो आपने छोटा सा वहां पर छोटा ऐसे करते हैं बच्चे इतने बदमाश हैं एकदम गिदकी नजरें हैं इनकी गिदकी सर वो एक छोटा सा ना आपने वहां पर इसमें जो एस बनाया था ना वो सर एस ना 5 लग रहा था ऐसे पकड़ लेते हैं यार अच्छी बात है इतना ध्यान से देखोगे उतना अच्छा है 40√2 मीटर पर सेकंड ये हमारे पास आएगा ठीक है तो ये हमने देखा बेटा दो फ्रेगमेंट टूटा तो क्या होगा तीन फ्रेगमेंट में टूटा तो क्या होगा आइए और बात करते हैं
ये जमीन पर रखा हुआ था आराम से फट गया, जमीन पर रखा हुआ था फट गया, लेकिन अगर हवा में उड़ते उड़ते फट गया तो क्या हो? बच्चा देखो, बच्चा हमारे पास एक बॉम्ब है, ठीक है ना? तो क्वेश्चन है अ बॉम्ब इज थ्रोन एट स्पीड यू एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल एट स्पीड यू एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, मतलब इसको हमने यू रफ्तार से थीटा एंगल पर फेंक दिया, ठीक? और हुआ क्या इसके साथ? एट द हाइएस्ट पॉइंट इट एक्सप्लोड्स इंटू टू फ्रैगमेंट्स विद मास रेशियो 1:2। मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे जब ये बॉम्ब पहुंचा तो भैया इसमें क्या हुआ? एक्सप्लोजन हुआ और इसके दो टुकड़े हो गए, एक का मास 2m और एक का मास m, मास रेशियो 2:1 या 1:2, व्हाटएवर यू वांट टू से। अच्छा जी, फिर क्या हुआ सर? मजा आ रहा है कहानी सुनने में, फिर क्या हुआ? ठीक, तो द हैवियर फ्रैगमेंट, द हैवियर फ्रैगमेंट stops and falls vertically, रुकता है और नीचे गिरता है। Find the distance from the point of projection where the lighter फ्रेगमेंट लैंड्स। अरे भैया, हल्के वाला कहां लैंड करेगा ये बताना है आपको, हल्के वाला कहां लैंड करेगा ये बताना है आपको। तो हमने कहा देखो, ये भारी वाला टूटा ना, यहां से भारी वाला टूटा, यहां से गिरा खटाक, भारी वाला यहां पहुंच गया खटाक, तुम ना टू से। हल्के वाले का क्या हुआ? हल्के वाला अब यहां नहीं जाएगा, हल्के वाला क्या हुआ? हल्के वाला और तेज हो जाएगा, हल्के वाला और दूर जाके गिरेगा, यहां जाके गिरेगा, हल्के वाला यहां गिरेगा। What about the center of mass बेटा? Center of mass कहाँ बैठा हुआ? Center of mass कहाँ बैठा हुआ? Where will be center of mass located? ठीक है, तो हमने कहा explosion क्योंकि external forces की वजह से होता है, center of mass का motion change नहीं होगा, center of mass जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, इसका मतलब center of mass अभी भी यहीं पर आके गिरेगा, सेंटर ऑफ मास अभी भी यहीं पर आके गिरेगा। तो ये 2m, ये m, ये सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास यहीं पर आके गिरा हुआ मिलेगा जहां पर पहले गिरता, मतलब वो गिरेगा r डिस्टेंस दूर, वो गिरेगा r डिस्टेंस दूर। r कितना है बेटा यहां पर? r है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, यहीं पर आके गिरेगा। और 2m कहां गिरा है? 2m तो हाईएस्ट पॉइंट पे के नीचे गिरा है, मतलब वो r बाय 2 पे गिरा है, 2m r बाय 2 पे गिरा, मतलब ये डिस्टेंस r बाय 2 होगा इसके लिए, ये R हो गया इसके लिए। और जो M है, मान लिया वो X पे गिरा हुआ है, मान लिया वो X पे गिरा हुआ है, अब क्या करें? तो बहुत सिंपल सी कहानी है, हम लगाएंगे XCM is equals to M1 X1 plus M2 X2 divided by M1 plus M2। अच्छा जी, XCM कितना है बेटा? R है। M1 कितना है? M1 2M है। इसका डिस्टेंस कितना है बेटा? ये R by 2 है। प्लस M2 कितना है बेटा? M है। डिस्टेंस कितना है? X है। टोटल मास कितना है बेटा? 3m है ना हमारे पास, 2m प्लस m, ये 2 और 2 कट गया, m और m कट गया, ये 3r और r, मतलब x की वैल्यू कितनी आई बेटा? 2r। r की वैल्यू पता ही आपको, बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, मेडिकल में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है, ठीक बेटा। और करने का तरीका भी नायाब है बेटा, कुछ लोग कराते हैं हाईएस्ट पॉइंट मोमेंटम कंजर्व करते हैं, इसका स्पीड निकालते हैं, इसका स्पीड निकालते हैं, फिर यहां से प्रोजेक्टाइल निकालते हैं, फिर यहां तक पहुंचते हैं, फिर जोड़ते हैं, निकाल, बहुत लंबा तरीका करते हैं, दो पन्ने बढ़ देते हैं हम, एक तरह निकालते हैं, एक 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 स्टेप में निकालते हैं, सीधा आंसर खड़ा है। बहुत जबरदस्त, बहुत मजेदार आपके सामने है इसका आंसर, बढ़ते हैं हम आगे।
और कुछ बहुत बढ़िया चीजों के बारे में बात करते हैं। हमने कहा कि ये हमारे पास बॉम्ब है और ये बॉम्ब दो पार्ट्स में टूटने वाला है, एक का मास M1 एक का मास M2, टूट गया क्रैक। टूटने के बाद जो दोनों फ्रेगमेंट्स हैं, ये M1 ये M2, इनको मिली काइनेटिक एनर्जी, इसकी रफ्तार हुई V1, इसकी रफ्तार हुई V2, और मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी मिल गई इनको E। सो E इज द एनर्जी गेन्ड बाय दिस फ्रेगमेंट ड्यू टू द एक्सप्लोजन। अब कुछ एनर्जी जो है वो हीट में भी गई होगी, साउंड में, वो एनर्जी नहीं है। E क्या है? E इज द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड ड्यू टू एक्सप्लोजन। So basically there is a hidden energy in the form of chemical energy, explosion हुआ और वो kinetic energy में आ गई, ठीक। अच्छा अब हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब बोल सकते हैं half M1 V1 square, half M2 V2 square बराबर E बोल सकते हैं पहली चीज। और दूसरी बात मोमेंटम भी कंजर्व कर सकते हैं, तो इनिशियल मोमेंटम जीरो है, फाइनल कितना है M1 V1 प्लस माइनस M2 V2, और उसको पार्ट लेना हो तो उसको नेट लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है। इसका मतलब M1 V1 बराबर M2 V2 होगा, तभी तो मोमेंटम कट के जीरो आएगा। M1 V1 बराबर M2 V2 होगा। अब अगर मैं V2 की इस वैल्यू को यहां पे पुट करूं तो क्या होगा बेटा, हाफ मैंने कॉमन ले चुका हूं ऑलरेडी, M1 V1 स्क्वायर प्लस M2 V2 की वैल्यू यहां पुट करी मैंने, कितनी है V2 की वैल्यू, M1 V1 / M2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू E। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने V2 की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दिया, ठीक है। अब मैं यहां से M1 V1 का स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं तो क्या मिलेगा मुझको, हाफ M1 V1 स्क्वायर 1 प्लस M1 / M2 का स्क्वायर इज इक्वल टू E, ठीक है ना। एक M1 बचेगा क्योंकि एक ही M1 बाहर आया है, एक M2 का स्क्वायर नीचे था, एक M2 का स्क्वायर और M2 कट गया। LCM ले सकते हैं हम यहां से, और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा M1 V1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 M1 प्लस M2 डिवाइड बाय M2 इज इक्वल्स टू E, ठीक है ना, मिल गया ये। अच्छा तो अब हम यहां पे क्या कह सकते हैं, मैं एक काम करता हूं, मैं ऊपर और नीचे M1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, ऊपर नीचे M1 से मल्टीप्लाई डिवाइड, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। अच्छा जी, तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है M1 V1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 M1 M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 इनटू E, ठीक है। अगले पन्ने पे लिखते हैं इसको, देखते हैं क्या है। हमारे पास हमने लिखा M1 V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 M1 M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 इनटू E। नाउ आई एम गोइंग टू राइट दिस एज अ अनदर वैल्यू, तो क्या लिखूंगा उसको अभी, M1 V1 को आई कैन से इट इज अ मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल और मोमेंटम ऑफ द सेकंड पार्टिकल, बोथ आर इक्वल बिकॉज हमने मोमेंटम किया था कंजर्व। सो मोमेंटम ऑफ एनी ऑफ द पार्टिकल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ऑफ दिस इनटू ई, और ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2 M1 M2 डिवाइड बाय M1। सो वी हैव द टू पार्टिकल्स एंड वी आर एबल टू राइट लाइक दिस, ई इज द काइनेटिक एनर्जी गेन, पी इज द मोमेंटम of any of the particle and this like this, ठीक है। Now for a single particle when it has mass m, it has momentum p and kinetic energy e, we write e is equals to p square by 2। ये एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के बीच का रिलेशन होता है सिंगल पार्टिकल के लिए, बट टू पार्टिकल सिस्टम था हमारे पास ये रिलेशन आ रहा है इस तरीके से। Now I am going to write this as reduced mass, right? So I'm going to write this as p square by 2 mu, where mu is called as reduced mass. एक तरीके से सिंगल मास की तरह ये एक्ट कर रहा है, और इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू है बेटा M1 M2 divided by M1 plus M2. तो ये एक बड़ा ही खतरनाक रिलेशन मेरे पास आ चुका है। क्या रिलेशन है, आइए मैं लिखा E is equals to p square by 2 mu. बेटा ये है सिद्धि, कड़ी तपस्या से हासिल की गई सिद्धि। क्वेश्चंस को एक लाइन में बनाने की सिद्धि, ठीक है ना। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये। कब लगेगी सिद्धि? देखो, टू पार्टिकल सिस्टम,
इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट, मोमेंटम कंजर्वेशन, हिडन फॉर्म ऑफ एनर्जी, कन्वर्ट्स इनटू हिडन फॉर्म ऑफ एनर्जी, कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी, हिडन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी, तब हम लगा सकते हैं इसको, देन वी कैन यूज दिस हिडन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी, देन वी कैन यूज इट. समझे बेटा, क्लियर है? बहुत मजेदार. आइए, जब भी ऐसा होगा वी कैन यूज ई इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय टू म्यू. ठीक है, अब कैसे कैसे क्वेश्चन हम इससे बना सकते हैं, आइए देखते हैं. देखो, अच्छा बहुत मजेदार सिद्धि है ये, इसको हासिल करने के बाद आपको बहुत मजा आने वाला है. कहीं पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, एक ब्लॉक को हमने ऊपर से छोड़ दिया, ब्लॉक नीचे आएगा, वेज पीछे जाएगा, ब्लॉक नीचे आएगा, वेज पीछे जाएगा. हम जानना चाह रहे हैं फाइंड द रिक्वायल स्पीड ऑफ द वेज, स्मूथ एवरीवेयर. आम बच्चा कैसे करेगा, या आम तौर पे टीचर्स आपको कैसे कराते हैं, आम तौर से बुक्स कैसे करती हैं, आम मेथड जिसे कह सकते हो आप, कॉमन मेथड, आम मेथड. ठीक है ना, तो आम मेथड इस प्रकार से होता है, आपको एक फाइनल डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये तो बनाना ही चाहिए. इन एनी केस आप जो मेरी मेथड यूज करें, आप मानेंगे कि इसकी रफ्तार वी वन, इसकी रफ्तार वी टू, ये है कैपिटल एम, ये है स्मॉल एम. ठीक, फिर क्या करेंगे आप, मोमेंटम कंजर्वेशन, यू विल अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन, आप थोड़ा मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे. ठीक है ना, तो व्हाट इज मोमेंटम कंजर्वेशन, आप कहेंगे m इंटू वी वन इक्वल टू कैपिटल m इंटू वी टू, दोनों का मोमेंटम इक्वल होगा, अपोजिट होगा, तभी मिलाकर जीरो होगा. मोमेंटम कंजर्वेशन की पहली इक्वेशन बन गई. फिर आप करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन, क्या करेंगे बेटा, एनर्जी कंजर्वेशन, आप करेंगे बेटा एनर्जी कंजर्वेशन. अब ये एनर्जी कंजर्वेशन में आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे देखो भैया, इनिशियली इसके पास एनर्जी थी mgh, फाइनली क्या है इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, कितनी, हाफ एम वी वन स्क्वायर, हाफ एम वी टू स्क्वायर, इक्वेशन नंबर टू. अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वी टू की वैल्यू यहां से निकाल के यहां पर डालेंगे, सॉल्व करेंगे, एक पन्ना भरेंगे, आंसर निकलेगा, निकल जाएगा आंसर. ये है मेथड नंबर वन, आम मेथड, कॉमन मेथड, आंसर देता है, सिंपल है, आंसर देता है, लंबा जाता है. ठीक है, अच्छा मेथड है, गंदा मेथड नहीं है ये, इट्स अ गुड मेथड, बट लंबा जाता है. ठीक है ना, अब आइए हम करते हैं इसको सिद्धि से, आइए लेट अस यूज आवर सिद्धि हियर. यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इस ब्लॉक के पास एक हिडन एनर्जी है, केमिकल एनर्जी तो नहीं है लेकिन हिडन एनर्जी है, कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी. जब ये नीचे आएगा तो वो एनर्जी कहां जाएगी, वो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी में जाएगी. ब्लॉक अपनी पोटेंशियल एनर्जी को लूज करके इनको क्या दे रहा है, काइनेटिक एनर्जी दे रहा है. ब्लॉक अपनी पोटेंशियल एनर्जी को लूज करके इनको क्या दे रहा है, काइनेटिक एनर्जी दे रहा है. ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी इनको मिल रही है वो कितनी है बेटा, पी स्क्वायर बाय टू म्यू है. पी किसका लेके, किसका ले सकते हो, एनी वन ऑफ देम. ठीक है, तो अगर मैं मान रहा हूं फाइनली क्या हो रहा है, मैं मान रहा हूं ये पीछे जा रहा है v2 से, ये आगे जा रहा है v1 से, मास स्मॉल है, मास छोटा है. ठीक, तो एनर्जी कितना लूज किया इसने, एनर्जी बताओ mgh, कितना एनर्जी लूज किया इसने, mgh को लूज किया ना. ठीक है, एनर्जी लॉस इज mgh. और कितना कितना मोमेंटम गेन कर रहा है इस कैपिटल m ने, इसने करा m into v2 का स्क्वायर 2 एम 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 प्लस कैपिटल एम. आंसर आपके सामने आ चुका है, मैं इसको यहां लेकर आना है, रुक लेना, आपका आंसर आ गया आपके सामने. बहुत सिंपल तरीके से आपने अपना आंसर निकाल दिया.
ठीक है ना. तो यू कैन नॉट गेट सिंपलर देन दिस. ठीक है, इस m को हम नीचे लेकर आ सकते हैं m स्क्वायर को, इसको पूरे को रूट दे देंगे, ये भी 2 आ गया. एक इक्वेशन में आपका आंसर निकल रहा है, एक इक्वेशन के अंदर आपका आंसर निकल रहा है. देखो एक इक्वेशन में आंसर निकल रहा है. अगर आपको v1 निकालना होता तो क्या करते, कुछ नहीं, यहां पर m into v2 की जगह पर स्मॉल m into v1 कर देते, क्योंकि मोमेंटम दोनों का बराबर है, जो मर्जी ले सकते हो आप. ठीक है ना, तो जहां पर भी एक पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी, हिडन फॉर्म ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, वहां पर इस कॉन्सेप्ट को आप लगा सकते हो. ठीक है, अब एक और क्वेश्चन दिखा दो. अब ऐसी बात है तो लो भैया एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं. अब ऐसी क्या बात आपने कर दी. देखो जो ये वाला स्प्रिंग है ना, जो ये स्प्रिंग है, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड नहीं है, बस इसको साथ में लगा के सटाकर इसको दबा दिया है, साथ में लगा के सटाकर दबा दिया है. ठीक है, इसमें जो कंप्रेशन है वो एक्स नॉट है. ठीक है, यहां से क्या है, कनेक्टेड है, यहां से नॉट कनेक्टेड है, नॉट कनेक्टेड है, मतलब फिक्स नहीं है इसके साथ, फिक्स इसके साथ है. इसमें एक्स नॉट क्या है बेटा, कंप्रेशन है. ग्राउंड क्या है बेटा, स्मूथ है. छोड़ दिया, छोड़ दिया, तो छोड़ दिया तो फाइनली क्या होगा, छोड़ने पर क्या होगा बेटा, फाइनली स्प्रिंग खुलेगा, एम वन पीछे भाग रहा होगा वी वन से, M2 आगे भाग रहा होगा कुछ भी टू से. आम मेथड क्या कहेगा बेटा, आम मेथड कहेगा मोमेंटम कंजर्वेशन, स्मॉल m into v1 equals to capital m into, sorry, m2 into v2. एनर्जी कंजर्वेशन हाफ के x नॉट का स्क्वायर. इनिशियल एनर्जी किस फॉर्म में है, स्प्रिंग एनर्जी में है. फाइनल एनर्जी कहां गई, काइनेटिक एनर्जी में गई. किसकी एनर्जी, हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m2 v2 स्क्वायर. यहां से वी टू को निकाल के यहां डालेंगे, सॉल्व करेंगे, ये है मेथड नंबर वन. इसे कहते हैं बेटा आम मेथड, आम मेथड, कॉमन मेथड, कॉमन आदमी को कॉमन मेथड. बट वी हैव अ वीआईपी मेथड, सिद्धि मेथड. ठीक है ना, सिद्धि मेथड, सिद्धि मेथड क्या कह रहा है, व्हाट इज सिद्धि मेथड टेलिंग यू. सिद्धि मेथड सेज वेरी सिंपली कि अब जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है वो कितनी है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर है ना, इसकी स्टोर्ड एनर्जी कितनी थी, हाफ के एक्स स्क्वायर, वही तो गई इन काइनेटिक में ना. तो व्हाट E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय टू म्यू. E कितना है बेटा हमारे पास, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर E है. और P कितना है हमारे पास, लट से हम ये निकालना है तो क्या बोलेंगे बेटा, एम वन वी वन मोमेंटम आ गया, और म्यू कितना है, एम वन एम टू डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू आ गया. सॉल्व करेंगे तो वी वन की वैल्यू निकल जाएगी बेटा. दोनों से सॉल्व करना, मैच करना, देखो आपका आंसर मैच करता है नहीं करता. मैच किया तो खुद को और मुझको, मुझको भी, दोनों को शाबाशी देनी है. ठीक है ना, चलो भाई आज के लिए बेटा इतना ही काफी है. पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट. अगली कक्षा में मिलेंगे बेटा हम लोग आपसे. ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए. सी यू, टाटा, बाय बाय. पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट.